मुंबई हमलों को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया। अमेरिका ने कहा कि वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन की ओर से अंजाम दिए गए मुंबई आतंकी हमलों के मामले में जवाबदेही और न्याय होते देखना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उपप्रवक्ता मार्क टोनर ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मीडिया से कहा कि हम इस बात पर बेहद स्पष्ट रहे हैं कि हम मुंबई हमलों के मामले में जवाबदेही तय होते और न्याय होते देखना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में टोनर ने कहा कि उन भयावह हमलों में अमेरिकी नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। हम लंबे समय से आतंकवाद से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देते रहे हैं और इस बात पर जोर भी देते रहे हैं और इसमें इस संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के बीच खुफिया जानकारी का आदान प्रदान भी शामिल है। हम अपनी चिंताएं स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें उन सभी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो उनकी धरती से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं या वहां अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह लंबे समय से हमारा उद्देश्य रहा है, इसमें प्रगति देखने को मिली है, लेकिन इसमें और प्रगति की जरूरत है। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को सभी आतंकी समूहों को निशाना बनाना चाहिए और इनमें उन समूहों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो उसके पड़ोसी देशों को निशाना बनाते हैं। हालांकि साथ ही अमेरिका ने ये भी कहा कि वो आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं बना रहा है।